एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज जैसा कि आज हम लोग रांची में हैं, मेरे मामा जी के घर पे, मतलब मेरे खुद के मामा जी तो उनके घर पे हैं। तो आज हम लोग मामा जी हम लोग को घुमाने लेके जा रहे हैं एक मंदिर, देवड़ी मंदिर, जो कि रांची का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर धोनी, जो है MS धोनी, वो हमेशा जब भी रांची आता है, उसका घर तो आपको पता है रांची में ही था, तो वो जब भी रांची आता है तो ज़रूर से ज़रूर वो देवड़ी मंदिर दर्शन करने जाते हैं। तो इसलिए वो मंदिर और भी ज़्यादा फेमस है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ का देवड़ी मंदिर का बहुत मान्यता है। तो आपको चलिए दिखाते और देखा है, चलिए दिखाते। देखिए मामा मामी यहाँ पे थे, ये देखिए तैयार होके बैठे हुए हैं, और ये मामी भी तैयार हो चुकी है, और मामा जी अंदर है, मामा भी आ रहे हैं। देखिए मामा चश्मा लगा रही है। तो चलिए अब हम लोग निकलते हैं देवड़ी मंदिर के लिए। मामा मामी चलिए फोटो। तो फ्रेंड, बिना लेट किए हुए हम लोग चलते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। वहाँ से हम लोग सबसे पहले कार पे बैठ के देवरी मंदिर के लिए रवाना होंगे। मामा गाड़ी निकाल रहे हैं। तो मामा गाड़ी निकाल रहे हैं। मामा को प्रॉब्लम हो रहा है गाड़ी निकालने में, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारी गाड़ी रखी हुई है इसलिए। तो हम लोग निकल चुके हैं और मामा गाड़ी चला रहे हैं और प्रदीप बगल में बैठे हुए हैं, मामी यहाँ बैठी हुई है। ये बात व्यू है। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, बहुत दिन के बाद देवरी मंदिर जा रहे हैं। तो ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि धोनी इसमें बराबर जाते रहते हैं, और हम लोग भी मामा जी लोग के साथ जा रहे हैं। मामा जी अभी ड्राइव कर रहे हैं और पीछे दीक्षु और मामी जी हैं। तो राजा महाराजा का टाइम का मंदिर। तो मामी जी, आप बहुत दिनों के बाद आपके साथ मौका मिला पहली बार घूमने का। तो दीक्षु कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत दिन, तुम तो मैक्सिमम घूमते रहती हो। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ घूमने में। हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो फर्स्ट टाइम, मेरा तो फर्स्ट टाइम है मामा जी लोग के साथ। मामा जी एकदम ड्राइव में फोकस हो गए। बहुत अच्छा चला। तो और बताओ दीक्षु, और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत दिन के बाद ये मंदिर जा रहे हैं, शायद पहले में बहुत बार देखे हैं लेकिन गए नहीं है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। और ये मंदिर इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे धोनी जाता है हमेशा। तो मामा जी कुछ बता रहे हैं मंदिर के बारे में। तो मामा जी बताइए मंदिर के बारे में कुछ। दोस्तों, ये मंदिर जो है राजा महाराजा का टाइम का है, बहुत प्राचीन मंदिर है। इसके बाद यहाँ पर हमारे क्रिकेट के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी बराबर यहाँ पर आते हैं, और इस मंदिर का विकास में उन्होंने बहुत बहुत सहयोग दिया। एक तरह का शक्तिपीठ है। यहाँ पर बृहस्पतिवार को बहुत भीड़ होती है और शनिवार को भी होती है। तो आप लोग इस मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा आए और माता का कृपा प्रदान करें, और यहाँ पर जो भक्त यहाँ पर आके अपना वरदान मांगते हैं वो एकदम पूरा होता है। इसीलिए आप लोग यहाँ पर जरूर से जरूर यथासंभव आने का प्रयास करें। धन्यवाद। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है गाइज, और हम लोग सोच रहे थे बहुत धूप हो जाएगा इसलिए हम लोग बहुत जल्दी निकले हैं, पर मौसम इतना अच्छा है कि हमको घूमने में बहुत मजा आएगा, है ना मामी? मामी कुछ बोलना चाहते हैं आप? मामी बोले क्या बोलेंगे? देखिए पहाड़ दिख रहा आगे में। हम लोग इस बार आपको ब्लॉगिंग में सिर्फ पहाड़ी पहाड़ दिखा रहे हैं, जब गांव गए थे तो भी पहाड़, और अभी भी कितने सारे पहाड़ है देखिए आगे, देखिए। तो गाइज, पहले हम लोग इस मंदिर में दर्शन करेंगे। ये काली माँ और बजरंग बली का मंदिर है। तो मामा मामी हैं कहाँ, आप इधर है। तो काली माँ और बजरंग बली का मंदिर है, तो यहाँ पर जब तक दर्शन किए बिना कोई गाड़ी जल्दी आगे नहीं जाती है, तो हम लोग इसको बहुत मानते हैं। तो ये देखिए मंदिर आगे ऊपर है, काली माँ है, ये बजरंग बली का मंदिर है, वह काली माँ का मंदिर है। चलिए इसका भी दर्शन करवाते हैं आपको, उसके फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। कितने अच्छे फ्लावर लगे हैं, जंगल में ही पड़ता है। देखिए पूरा हाईवे है, NH है पूरा रोड। चलिए चलते हैं। तो
तो फ्रेंड देवरी मंदिर जाने से पहले रास्ते में ये मंदिर पड़ता है बजरंगबली का। यहाँ की मान्यता ये है कि जब भी आप देवरी मंदिर जा रहे हैं तो इस मंदिर को क्रॉस करने से पहले यहाँ की थोड़ी सी श्रद्धालु यहाँ पे रुके और ठीक है बाकी दीक्षु बताएगी। हाँ बता चुके हैं, देखिए बस भी रुका है यहाँ पे दर्शन करने के लिए, रुकी थी दर्शन करने के लिए, बस का ड्राइवर दर्शन करके फिर अपने बस लेके आगे निकल गया। देखिए एक गाड़ी वाला आया, ये भी रुकेंगे, ये देखिए ये बाइक वाले भैया हैं, ये भी रुके हैं। तो यहाँ की बहुत मान्यता है, छोटी छोटी सी मंदिर है लेकिन बहुत मान्यता है। हाँ फ्रेंड जैसा आपको बताया गया था कि जब भी देवरी मंदिर के लिए जो लोग यहाँ से रवाना होते हैं गुजरते हैं वो इस मंदिर में आके माथा टेक के माता जी का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल से माना जाता है कि जो लोग देवरी मंदिर जा रहे होते हैं और रास्ते में ये मंदिर पे रुक कर माता जी के दर्शन नहीं लेते हैं उनके साथ कुछ अपशगुन हो जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग ना निग्लेक्ट करते हुए हम लोगों ने भी प्रॉपर यहाँ पर गाड़ी रोक कर माता जी के दर्शन कर माथा टेक कर माता जी के आशीर्वाद लेके गए। और ये सच में हमने फील किया कि जाने से लेकर आने तक हम काफ़ी सुरक्षित होके गए, काफ़ी सेफली गए, सेफली आए। तो आप लोग भी जब भी जाएँ तो यहाँ से आशीर्वाद लेकर जाएँ। फ्रेंड अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और ये हम लोगों की गाड़ी है जिससे हम लोग जा रहे हैं देवरी मंदिर। और मौसम आप देख सकते हैं कल कितना सारा धूप था और मामा जी भी हैं और मामा जी ही ड्राइव कर रहे हैं। काफ़ी मतलब अच्छा मौसम हो गया है और मामी जी आ रही हैं पीछे से अभी। और मौसम कितना अच्छा है, मतलब आज लग ही नहीं रहा है कि यहाँ धूप आएगा भी शायद, काफ़ी अच्छा मौसम है। और आप यहाँ का देख सकते हैं और झारखंड की खूबसूरती, पहाड़ी पहाड़ है झारखंड। अच्छा और पीछे भी देखिए कितने सारे पहाड़ हैं, पीछे भी पहाड़, इधर भी पहाड़, हवा भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो चलिए हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं और मामी जी भी आ चुकी हैं तो हम लोग यहाँ से ठीक। फ्रेंड थोड़ी ही देर में हम देवरी मंदिर पहुंचने वाले हैं। जैसा आपने रोड के दोनों तरफ एक स्टील का बैरियर देखा, यहाँ पे वन विभाग के जो हाथी होते हैं जंगली हाथी वो यहाँ से रोड क्रॉस करते हैं, उनसे बचने के लिए यहाँ पे ये लगाया गया है। मैं भी सुन के काफ़ी आश्चर्यजनक हुआ। और चलिए बिना लेट किए हुए हम देवरी मंदिर की ओर पहुँचने वाले हैं, वहाँ पहुँच कर आपसे मिलते हैं। तो ये अभी हम लोग गाड़ी पार्क कर चुके हैं, दीक्षा लोग अभी उतरेगी, मामा जी भी उतरेंगे अभी। ये है देवरी मंदिर का रास्ता। फ्रेंड हम लोग अभी आ चुके हैं और दीक्षा ले चुकी है। दीक्षा आपने क्या क्या लिया है माता जी के लिए? पत्ते हैं इसकी खासियत यही है गाइस, आप देख सकते हैं। हम बैक कैमरा से आपको दिखाते हैं, बाकी मामी जी भी ले ली है। चलिए बैक कैमरा से ऑन करके आपको दिखाते हैं। फ्रेंड ये देवरी मंदिर का एंट्रेंस है और चलिए हम धीरे धीरे आपको दिखाते हैं जैसा आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड अभी हम लोग देवरी मंदिर आ चुके हैं, काफ़ी मान्यता है इस मंदिर का। ये दुर्गा माता की मंदिर है और यहाँ पे जैसा आप लोगों को पता है कि MS धोनी भी जब जब अपनी सफलताओं का कुछ भी वो पाते हैं या माता जी से कुछ मन्नत मांगना होता है तो फिर वो यहीं पे आके माता जी के दर्शन करते हैं। काफ़ी मान्य हाँ अभी थोड़ा पूजा करके आएंगे ना, टीका करा के तब कोई काफ़ी मान्यता है। और ये भैया पीछे ही पड़ गए हैं। ठीक फोटो वोटो बना सकते ना दीक्षु वीडियो। दीक्षु यहाँ लग रहा बलि भी चढ़ता है,
काफी अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर में आके। काफ़ी सुंदर कलाकृतियाँ की गई हैं माता रानी के मंदिर में, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा, ठीक, काफ़ी अच्छा लग रहा है। शायद ये पहले पहाड़ हुआ करता था, जैसा आप देख सकते हैं फ्रेंड। फ्रेंड मंदिर में आने के बाद काफ़ी मन को शांति मिला, और जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी रस था यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अभी वॉइस ओवर कर रहे हैं, क्योंकि उस समय सबके सामने बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट भी लग रही थी। ये मैं और दीक्षु और मामा जी भी हैं। मामा जी भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड थे, मतलब देवरी मंदिर जाने के लिए, और हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मामा जी के साथ हम लोगों को घूमने का एक मौका मिलेगा। तो आखिर घूमे, हमें काफ़ी अच्छा लगा। और कहा जाता है कि यहाँ पे एक चट्टान की सिर्फ मंदिर थी, और MS धोनी ने इस मंदिर का सारा खर्चा का रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लिया, और ये मंदिर के रचनात्मक में और मंदिर के फिर से एक विशेष तरीके का स्वरूप देने में MS धोनी ने काफ़ी सफलतापूर्वक मतलब सहयोग किया है, धन और बहुत ही तरह तरह भिन्न प्रकार से। तो फ्रेंड यहाँ पूजा हमारा हो चुका है, बहुत अच्छा लगा, पूजा करके मन को शांति मिली। यहाँ नारियल फोड़ा जाता है, तो अभी यहाँ पे दीक्षु और मामा जी तैयारी कर रहे हैं नारियल फोड़ने के लिए, तो यहाँ हम लोग भी नारियल फोड़ेंगे, नारियल का विसर्जन होगा, और धुकाटी हम लोग यहीं जलाएंगे। जय माँ। ये कर रहे हैं पूजा, मामा भी कर रहे हैं पूजा, हम भी कर लेंगे पूजा, यहाँ मंदिर है अंदर, वीडियो बना। आओ दीक्षु, आ रहा तो पूजा हो गया, मंदिर के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं, मतलब इतना शांति लग रहा है मंदिर में आके, मन मतलब बहुत ही सुकून सा मिल रहा है। आप भी अगर कभी रांची आते हैं तो ये मंदिर ज़रूर आए, और एक बार माता जी के दर्शन करें, अपनी मनोकामनाओं को सफल बनाएं। देखते हैं, हम लोग तो फर्स्ट टाइम आए, काफ़ी अच्छा लगा हमें, बाकी दीक्षु से पूछते हैं कैसा लगता है। तो फ्रेंड हमारा पूजा समाप्त हुआ, और हम बाहर निकल रहे हैं, फोटोशॉप भी हमारा हो चुका है, बहुत सारा फोटोशूट भी हो गया, और दीक्षु यहाँ पे सिंदूर ले रही है। और देखिए, जब धोनी जी आए थे तो यहीं पे सब फ़ोटो जो क्लिक करवाए हैं आप देख सकते हैं गाइस, अच्छे तरीके से ये सब फ़ोटो क्लिक कराए हैं MS धोनी भी, और काफ़ी अच्छा है, छोटा मार्केट है बट अच्छा है, छोटा सा मार्केट भी लगा हुआ है, मंदिर भी अच्छी है। तो अब हम लोग अपने गाड़ी में बैठ के वापस जाएंगे, मामा जी एकदम आगे खड़े हुए हैं, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे।
काफ़ी भूख भी लगा है, थोड़ा सा कुछ खा लिया जाए फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं। हमारा हो चुका है, हम प्रसाद का टोकरी यहाँ दे दिए हैं प्रसाद पैक करने के लिए, और ये जूता पहन रहे हैं, मैं भी अपने सैंडल पहनूंगी, फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। हमारी गाड़ी यहाँ है, ऊपर फ्लाई ओवर है, और हम लोग गलती से आगे निकल गए थे, फ्लाई ओवर से हम लोग को मंदिर नहीं दिखा था और हम लोग आगे निकल गए थे, बट अब हम लोग सही रास्ता इधर से जाएंगे, फिर हम लोग कोई ब्रेकफास्ट करना है। चलिए मिलते हैं।